हम लोग को पढ़ाई लिखाई के फीस अपने खुद से जमा करते हैं, लेकिन पेमेंट मिल नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम लोग अब पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मनरेगा कानून के तहत कार्य समाप्ति के 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद सुरियां ब्लॉक के साड़ा गांव निवासी जितेंद्र सहित 27 मजदूर परिवारों का पिछले 13 महीने से 14 दिन का मजदूरी लगभग 60,000 रुपये का भुगतान ना होने के कारण इन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कितना लोग काम कर रहे हैं? 27 आदमी साहब। कितना पैसा रुका बा? 60,000। और साहब सूर्यावा गए ब्लॉक पर, वहाँ कहाँ गए, वहाँ कौन सुनाया न भाई, मजदूरी कहीं मिल रही है? नरेगा चल रहा है, नरेगा काम करके 13 महीना हो गया और मजदूरी मिल नहीं रही है। प्रधान लगे जाते हैं तो कहते हैं चलो मिल जाएगा मिल जाएगा, 13 महीना हो गया, मिल जाएगा मिल जाए, मिलने कोई नाम ही नहीं है। तो पैसा ना मिलने से कहाँ तकलीफ होता? अब साहब पैसा मिलने से तकलीफ ही होता कि कहाँ से हम लोग, कोई बीमार हो जा रहा है, कोई क्या हो रहा है, कहाँ से पैसा पाके कहाँ से हम लोग देंगे और कहाँ से अपन पेट कैसे पालेंगे। हम लोग कई बार प्रधान के यहाँ भी गए तो प्रधान कहते हैं जाओ ब्लॉक में, ब्लॉक में गए तो ब्लॉक वाले कहें प्रधान के पास, उन लोग एक दूसरे के पास भेजते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन मजदूरों का जल्द से जल्द भुगतान हो ताकि इनकी समस्या दूर सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि सुरियां ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 9554465125 पर कॉल कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं अनिल कुमार, भदोही उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।